राम मंदिर, इस पे क्या कहना चाहोगे आप? देखिए 5 अगस्त को हो रहा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक पल है और जो हिंदुओं को काफ़ी सदियों से इंतजार था और काफ़ी संघर्ष के बाद ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश पे मंदिर के निर्माण के मार्ग प्रशस्त हुए हैं, तो वो हमें उस ऐतिहासिक पल उस क्षण का हमें वो है इंतजार है और हमें नहीं संपूर्ण राम भक्तों को, संपूर्ण सनातन धर्मी हिंदुओं को। रही बात देखो कुछ लोग उसके महत्व पे ही भी प्रश्न उठा रहे हैं, जैसे उपवेशी जी ने बोला है सर, वैसी जी तो देखो ऐसा वैसी क्या है, वैसी तो हमेशा कभी राम पे टिप्पणी करते हैं, भगवान राम पे, कभी माता कौशल्या को लेकर टिप्पणी बोलते हैं, तो वो तो हिंदुओं के प्रति जहर मिलते रहते हैं और उन्होंने जो बोला उसको कोई दम नहीं है। प्रधानमंत्री जी अजमेर शरीफ उन्होंने चादर भेजा था, तो हमने तो नहीं कहा कि आप मुसलमानों को क्यों भेज रहे हैं, और कितने मुस्लिम धर्मगुरु के कार्यक्रम में जाते हैं, और ये तो लोकतंत्र में बहुमत का प्रभाव है, गौसंकों के भगवान मंदिर का वो है और जिसको मीर बाकी ने तोड़ा था, तो यहाँ पे मंदिर का निर्माण होना अपने आप में ये पूरी राष्ट्र का निर्माण है, तो इसलिए इस पर किसी भी तरीके से जो लोग इसको नकारात्मक टिप्पणी कर रहे हैं वो गलत है। अच्छा दूसरी बात मुहूर्त की बात है कि सत्य है कि मुहूर्त तो जो शयन में होता देव शयन में भगवान हरि पतालोक में शयन में चले जाते हैं, तो इस समय कोई शुभ कार्य नहीं होते, लेकिन भगवान राम का काम है और राम के कार्य में तो सब कुछ सिद्ध है अपने आप में, तो इसलिए अगर हिंदू महासभा ने तो रक्षाबंधन से यानी 3 तारीख से ही उसके लिए चूँकि शुभ रहे और सबके लिए वो अच्छा रहे, तो अगर जो मुहूर्त भी नहीं है तो ठीक हो जाएगा, राम का काम है, तो उसके लिए 3 तारीख से भी हवन पूजन और श्री राम जय राम जय जय राम की जाप अखंड करेगी और वो करेगा और भगवान का भव्य श्री राम लला का मंदिर जो बनेगा वो तो बड़ा ऐतिहासिक होगा, सबके लिए कल्याणकारी होगा, पूरे देश ही नहीं विश्व के लिए, और निश्चित रूप से पूरा भारत का गौरव बढ़ेगा। इससे वाली पीढ़ी को हम कहेंगे कि वहाँ मस्जिद था उसे ध्वस्त करके बनाया जा रहा है, तो क्या कहना चाहोगे इस पर? नहीं, आने वाली पीढ़ी को उनको ये बताना चाहिए कि मीर बाकी जो था उसने तोड़ा और फिर हिंदुओं ने जो मीर बाकी ने तलवार के बल पे तोड़ा और हिंदुओं का नरसंहार किया, हिंदुओं ने एक भी किसी को नहीं मारा और बल्कि संवैधानिक लड़ाई लड़ते हुए देश के सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ाई लड़े और 5 जजों के पीठ ने एक कानून का पालन करते हुए और साक्ष्य के आधार पर निर्णय दिया, तो इस तरह की बात करना चाहिए। एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए ओवैसी दिन ओवैसी को इस तरह की बातें सुझा नहीं दे रही है, वो बिल्कुल असंवैधानिक बात कर रहे हैं और बिल्कुल सांप्रदायिक सद्भाव को बिगाड़ने वाली बात कर रहे हैं, तो हमें लगता है सरकार को कहीं ना कहीं उनसे ठोस कार्रवाई उनके खिलाफ करनी चाहिए, क्योंकि ये दंगा भड़काने वाली बात है। दूसरी बात ये है कि जो ऐसी बोल रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट के सर्वोच्च न्यायालय की अवमानना कर रहे हैं, इस तरह जब सर्वोच्च न्यायालय ने जब आदेश कर दिया तो वहाँ पे मंदिर था मंदिर है तो फिर आप मस्जिद की कैसे बात कर रहे हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आप एक अलग पाकिस्तान की संरचना तैयार कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आप अल्पसंख्यकों को भड़काने का प्रयास कर रहे हैं, ये बहुत ही निंदनीय है, घोर निंदनीय है, इसकी जितना निंदा की जाए कम है, और हम तो ऐसा देख रहे हैं कि आने वाले भविष्य में जो ओवैसी हैं वो जिन्ना के रूप होंगे, यही हाल रहा तो अगर इसे कंट्रोल नहीं किया गया तो, इसलिए जिन्ना बने एक अलग पाकिस्तान की भी मांग करके रेट में ना करने लगे, इसके पहले इन पर कार्रवाई करना चाहिए, इनको अरेस्ट करना चाहिए और ये सजा देना चाहिए, कठोरतर इन पर कार्रवाई हो ताकि दूसरा कोई भारत में जिन्ना पैदा ना हो, ताकि वो भारत पाकिस्तान की तरह बंटवारा ना हो देश का, इसलिए ऐसे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है।